So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V23e डिवाइस के अंदर जो है Android 14 का जो अपडेट है वो आपको कब तक मिलेगा। एंड गाइज, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है जिसमें जो भी फीचर्स मिलने वाले थे Android 14 के वो हमने कवर करा हुआ है। सो आई बटन में वीडियो की लिंक मिलेगी, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो। एंड जो भी चीज़ें एंड्रॉयड 14 में मिलेगी ना वो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको, आसानी से आप देख के जो है वीडियोज में समझ सकते हैं कि आखिर चीज़ें हमें एंड्रॉयड 14 के अंदर मिलेगी। फिलहाल बात करते हैं इसके कुछ, मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें जो मोस्टली आता है। देखो, जो इसके वेबसाइट पे इन्होंने हाइलाइट्स बनाया हुआ था उसमें जो है स्क्रीन सेवर को लेके एक मेन पॉइंट था कि अगर जो भी क्लोक के टेक्सचर्स होते हैं ना वो आपको चेंजेस कर सकते हो, उसमें कलर कर सकते हो। पहले तो वाइट एक था, रैंडमली डिफॉल्ट था, बट उसको कस्टमाइजेबल होगा, उसके कलर को आप चेंज आउट कर पाएंगे। इवन गाइस, जो वीडियोज वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी रेजोल्यूशन जो है कम हो जाती थी जब उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाते थे 4K तक करते थे, बट अब ये नहीं होगा। एनहेंस आप जो है आसानी से 4K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। थर्ड भी उसमें एक चीज़ और बताता हूँ, उसमें जो फ्लोटिंग विंडो आपका है जिसको हम स्पाल विंडो बोलते हैं, उसमें भी ये होगा क्या कि उसमें जो चीज़ें हमें बताई गई है उसमें हम किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं लाइक किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसको ड्रैग करके ओपन कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो के अंदर। तो मस्त सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कब तक मिलेगा अपडेट। इसका जो अपडेट्स हमें देखने को मिलेगा ये मिड मार्च के अंदर मिलेगा 2024 में। तो अभी आपको वेट करना है क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए फोन को, तो एक तरीके से कह सकते हो ओल्ड भी बोल सकते हो। आई थिंक उतना ओल्ड नहीं, फिर भी 2 ईयर्स होता बहुत होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी तो जो न्यू फोन्स आए हैं उनमें ये भी रिलीज हो रहा है, वो पहले मोस्टली भी यही करते जो रिसेंटली लॉन्च होते हैं फोन उसमें ज़्यादातर होता है। अभी आईक्यू अपने काफ़ी सारे डिवाइसों में दे चुका है, जी सीरीज के काफ़ी फ़ोनों में मिल चुका है आईक्यू में। वीवो के अंदर भी V27 वगैरह में ये ट्रायल वर्जन की जगह पर सबको नहीं मिला लेकिन प्रॉपर स्टेबल वर्जन, लेकिन आपको ट्रायल वर्जन में देखने को मिल सकता है। एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपके पास वीवो का V27 कोई डिवाइस है तो। सो आई थिंक गाइज आप समझ होंगे इसका जो रिलीज डेट क्या था। एंड गाइज, इसके रिगार्डिंग और भी कन्फ्यूजिंग्स अगर आपके मन में होती हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन है कमेंट करके पूछ सकते हैं।